जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व रक्षक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, एक नए कंट्रोवर्सी जो अभिनव अरोड़ा और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये अभिनव अरोड़ा है वो कौन है। अभिनव अरोड़ा 10 साल का एक बालक है जो इंडिया में सबसे यंगेस्ट स्पिरिचुअल गुरु के नाम से, ऐसा उनको नितिन गडकरी जो आप जानते हो सड़क परिवहन मंत्री है उनके द्वारा दिया गया था। उसका इंस्टा बायो में भी यही लिखा हुआ है, यंगेस्ट स्पिरिचुअल गुरु आप कह सकते हो। तो वो सबसे यंगेस्ट स्पिरिचुअल गुरु है। तो वह उसका वीडियो आप देखे होंगे जब गणेश विसर्जित किया जा रहा था, तो उसमें उसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। गणेश प्रतिमा को पकड़कर रो रहा था और उनको विसर्जित करने नहीं दे रहा था। तो वही लड़का आज कह सकते हो कि फेमस हो गया है उस रील्स के चक्कर में। उस रील से बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद अब एक कह सकते हो कि इन्फ्लुएंसर और गुरु बन रहा है। तो वही लड़का है जो आप देखे थे। तो यह उसका साथ कंट्रोवर्सी ये जुड़ा हुआ है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कहीं पे राम कथा कर रहे थे, तो वहीं पे यह जाकर और अपने पिता के इशारे पर, अपने पापा के इशारे पर यह व्यक्ति, यह लड़का जो है अभिनव अरोड़ा, वहाँ पे ये रील बनाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे नारा लगाना स्टार्ट कर दिया। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। तो आप लोग कहेंगे कि नारा लगाने से क्या होता है। तो नारा लगाने से होता है कि वहाँ पे मर्यादा होता है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वो स्टेज का महिमा है, जो स्टेज का मर्यादा है वो उन पर डिपेंड करता है। तो इसी कारण उसको स्टेज से नीचे उतार देते हैं और यही कंट्रोवर्सी उसके साथ जुड़ा हुआ था, नारा लगा, जिसके कारण जगत गुरु भद्राचार्य उसको स्टेज से वापस नीचे उतार देते हैं और इस कहते हैं कि इस बालक को नीचे उतार दे। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। तो ये कंट्रोवर्सी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका हेल्थ इम्प्रूवमेंट कितना है, कितना ज़्यादा इसको आने वाले भविष्य में इसको दिक्कत होगा, या हम कुछ नहीं करेंगे, पर जो भी बात लोग कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह बच्चा अभी 10 साल का एज का है और यह पढ़ना स्कूल भी नहीं जाता है। अब जाता है या नहीं जाता हमको लेना देना नहीं है, पर ऐसा जो निकल कर आया वो हम बता रहे हैं। स्कूल भी नहीं जाता है, 10 साल का बच्चा है, इस तरह से मतलब वीडियो बनाता है और यहीं से इसके पापा या मम्मी जो भी कहते हैं इसको उसी प्रकार के काम करता है। यानी आप कह सकते हो कि मनी ट्रेल में यह लड़का फंस गया है अपने मम्मी पापा के, कि पैसा कहीं से आना चाहिए, किसी भी तरह से कुछ भी करो और पैसा लाओ। तो इसी कारण यह लड़का इस काम में घुसा, स्पिरिचुअल गुरु आप कह सकते हो, यंगेस्ट का उपाधि दिया गया है इसको, जिसके कारण इसको हेल्थ, आप देखो कितना ज़्यादा मोटा है और इसको हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरी है। अगर यह लड़का ऐसे ही रहा तो आने वाले भविष्य में इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जितने भी आप कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो, पर से कोई हेट नहीं दिया जा रहा है, आप अच्छे काम कर रहे हो, पर आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को भी ध्यान में दो और भगवान के भजन कीर्तन तो करना ही चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके करो, पर अपने हेल्थ और जो भी आपको अभी बच्चा है तो थोड़ा सा अपना ज्ञान लगाने का कोशिश करो, ज्ञान लो किसी गुरु को, कि हर काम पैसे के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल पर। जय श्री राम।